ये पेंगुइन एक प्लेन बनाकर जंगल से रफू चक्कर हो जाते हैं और एलेक्स को कहते हैं हम 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। मगर काफी टाइम बाद भी पेंगुइन वापस नहीं आते क्योंकि ये भूतनी के उनको झूठ बोल के यहाँ मजे कर रहे हैं। तो एलेक्स और उसके दोस्त भी समुद्र के रास्ते से पेंगुइन्स को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और पाइप से होटल में घुसते हैं। मगर इनकी तो लैंडिंग ही खराब होती है और कोई बताएगा ये भोपारी का जिराफ मेल से कैसे टपका। अब ये नीचे जाने के लिए प्लान बनाते हैं पर उससे पहले इनको पेंगुइन्स का पता लगाना है। तभी इनको बंदर दिख जाते हैं और जहां बंदर वहीं पेंगुइन्स। तो ये लंगूर को 3:45 बत्ती गुल करने का बताकर खुद नीचे जाने के लिए तैयार होता ही है कि इतने में ग्लोरिया उस कांच पर चढ़ जाती है जिससे कांच टूट जाता है और ये भाई साहब सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। सुपर हीरो लैंडिंग। इन्हें देखते ही सबके तोते उड़ जाते हैं जैसे कोई जिंदा भूत देख लिया हो और ये पेंगुइन्स भी एलेक्स को देखते ही वहां से भागने लगते हैं। तो ये भी उनके पीछे भागते हैं। इतने में 3:45 हो जाते हैं मगर ये भूतनी का लंगूर तो अपनी नाक में पेंसिल डाल रहा है। फिर ये बत्ती गुल करता लगता है इसको भी मुजरा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो ग्लोरिया इसको कहती है हमारे साथ चल भूतनी। फिर ये पेंगुइन्स सभी को गाड़ी में डालते हैं तो ग्लोरिया कहती है ये क्या है। तो पेंगुइन ये बाबूराव का स्टाइल है और ये वहां से रफू चक्कर होने लगते हैं। इनकी धूम मचाले की ड्राइविंग के आगे तो अपने सेलमून भाई भी फेल है।